गौरांगा बोली ते हवे शुतः बेमानं हरि हरि बोली ते नयने बबे कबे हम गुजाबो
Thank you.
Thank you.
जो विष्णुपाद परम सुब्रज का आचार्य अष्टोत्तर शतश्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज गोपाल की नम आचार्य शिवदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्रीवासवी गौर भक्त की श्री श्री राधा कृष्ण कोटि कोटि का श्याम कुंड राधा कुंडगिरि गोवर्धन मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गाम या यमुना मैया की भक्तिदेव तुलसी महाराज की समवेत गौर भक्त की हरे कृष्ण महामंत्र की ऑल ग्लोरी टू द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द सिंगल डिवोटीज ऑल ऑल ग्लोरी श्री श्री गौरांग श्री प्रभुपाद की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सातवां अध्याय और ग्यारहवां श्लोक चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण माधुर्य अद्भुत स्वभाव अपनास्वादित कृष्ण करे भक्त भावा कृष्ण माधुर्य रहे का अद्भुत स्वभाव अपनास्वादित कृष्ण करे भक्त भावा कृष्ण माधुर्य रहे का अद्भुत स्वभाव अपनास्वादित कृष्ण करे भक्त भाव कृष्ण करे भक्त भावा अपनास्वादित कृष्ण करे भक्त भावा माता जी कृष्ण माधुर्य रहे का अद्भुत स्वभाव कृष्ण माधुर्य रहे का
अपनास्पदित कृष्ण कर भक्त भावा। प्रतिपदार्थ कृष्ण माधुर्येरा, कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति एक है, अद्भुत 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 स्वभाव स्वभाव आपना स्वयं आस्वादिते आस्वादन के लिए कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण करे करते हैं भक्त भाव भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। कृष्ण का दिव्य माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतया आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। तात्पर्य यद्यपि कृष्ण आनंद के आगार है किंतु वे भक्त का रूप धारण करके इसका आस्वादन करने की विशेष इच्छा रखते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में विद्यमान हैं किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए वैष्णव भजन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा है, चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्भयम चैतन्याप्तम चैक्यमाप्तम। राधा तथा कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनरघुनाधान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। गौरांगा
हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज प्रातःकालीन कक्षा में। बहुत ही विशेष और गुप्त और गोपनीय विषय के संदर्भ में यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जिसका विवरण श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के अंतर्गत दिया है। तो उसी विवरण को विस्तार करते हुए अभी हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व जो भी उपस्थित भक्त है एंड वैष्णव आचार्य, उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं ताकि हम स्वयं इस बात को समझ सकें और यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास करें। वैसा श्री चैतन्य तत्व को और राधा कृष्ण की अनुका अद्भुत और विशेष संबंध को समझ पाना ये बद्ध जीवों के लिए असंभव है। इसे समझने का एक ही उपाय, एक ही मार्ग या एक ही उपाय बताए जा रहे हैं, वो यही है श्री रूप रघुनाथ पदे हुई व्याकुति कभी हम पूजा बोस जुगल अपीरीति। जब तक हमारे हृदय में रूप और रघुनाथ गोस्वामियों की पदों के प्रति आकर्षण आसक्ति जागृत नहीं होता है और उनकी पद चिन्हों में चलने का व्यक्ति जब तक प्रयास नहीं करेगा और रूप और रघुनाथ गोस्वामी के चरणों को ही अपना जीवन का सार के रूप में स्वीकार करते हुए उनके द्वारा दिखाई गई मार्ग के ऊपर चलने की प्रयास नहीं करता है या पूर्ण रूप से चलता नहीं है, तब तक उन्हें कभी भी श्री राधा कृष्ण की युगल प्रीति के विषय में कभी समझ नहीं पाएगा। बिकॉज इट इज कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप, क्योंकि पूर्ण रूप से दिव्य संबंध है इनकी। क्योंकि जब हम उसे अपनी भौतिक बुद्धि के साथ समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा भौतिक बुद्धि तीन गुणों से और द्वंद्वों से दूषित है, जब इस दृष्टि में हम राधा कृष्ण के संबंध को देखने का प्रयास करते हैं जो कि दिव्य स्तर पे है, हम होंगे मटेरियल प्लेटफॉर्म पे और दिव्य स्तर की बातें अगर हम देखें और समझने का प्रयास करें कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। तभी यहाँ पर इसका विधान बताए जा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जब बताए जा रहे हैं पदे शब्द की दो प्रकार के अर्थ है, एक तो लिटरल मीनिंग भी है और इंडिकेटिव मीनिंग भी है। लिटरल मीनिंग का मतलब ये होता है कि जो पद मतलब उनकी चरण, उनकी पद चरण है। एंड इंडिकेटिव मीनिंग ये है पद मतलब उनकी उनके द्वारा लिखी गई शास्त्रों के अंतर्गत कही गई वचन है। जब तक रूप और रघुनाथ गोस्वामी की द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति नहीं करता है तब तक कैसे ही समझ पाएगा, किस आधार पर समझ पाएगा उसे। तो इसलिए राधा कृष्ण के संबंध को केवल आचार्यों के द्वारा लिखी गई तात्पर्यों के आधार पर, विवरण के आधार पर ही व्यक्ति समझ सकता है। तभी यहाँ पर इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर इस बात की उल्लेखन कर रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे हुई व्याकुति, जब तक हमारे हृदय में रूप रघुनाथ गोस्वामियों की चरणों के प्रति जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक असंभव है। एंड इस प्रकार की आसक्ति हमारा आचार्य जो रूप और रघुनाथ गोस्वामी के बाद में जितने भी आचार्य रहे हैं सभी इसी प्रकार की आसक्ति रूप और रघुनाथ गोस्वामी के प्रति अपनाए हैं और व्यक्त भी किए हैं। इन तभी आगे जाकर ये भजन लिखे गए हैं। श्री रूप मंजरी पदा, इस भजन रूप गोस्वामी को ही उद्देश्य करते हुए लिखा गया था, जहाँ पर
श्रील रूप गोस्वामी के चरणों को अपना जीवन के एकमात्र आश्रय के रूप में, उनके पदों को अपने जीवन के रूप में यहाँ पर स्वीकारा जा रहे हैं। एंड यही आसक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी अपना जीवन के अंतर्गत व्यक्त किया हुआ है। इसलिए अपनी आखिर संदेश के अंतर्गत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी अपने शिष्यों को यही बात समझा कर गए थे कि आप सभी को प्रयास करनी चाहिए ताकि रूप और रोगनाथ गोस्वाम गोस्वामी के प्रति एक ऐसा अद्भुत आसक्ति हमें विकसित करनी है जिससे हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के पदों पद धूलि का एक कण बन सके, पदों का धूलि का कण बन सके। इसी अपेक्षा आकांक्षा और जीवन के लक्ष्य के साथ व्यक्ति को इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत अपना जीवन बिताना चाहिए, यही अल्टीमेटली लक्ष्य है। कभी भी कृष्ण की प्राप्ति के लिए गौड़ी वैष्णव का अभिलाषा नहीं होता, उनकी अभिलाषा यही होता है कृष्ण की आसक्त भक्तों की पदों का सेवा करने का सौभाग्य। दिस इज द हाईएस्ट एस्पिरेशन विच इज मच सुपीरियर टू द एस्पिरेशन ऑफ कृष्ण। तो तभी भक्तिदास महाराज ने ये नहीं कहा कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है या गौरांग महाप्रभु को प्राप्त करना है, बल्कि उन्होंने इसी आशा के साथ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है रूप गोस्वामी की, खासकर रूप गोस्वामी के प्रति बहुत आसक्त थे भक्तिदास महाराज। इसलिए यही आखिर भजन था जो भक्तिदास महाराज ने सुनकर अपना शरीर छोड़ा है, यही आखिर भजन था। तो भक्तिदास महाराज और बाकी अन्य आचार्यों ने दिखाया कि कैसे हमें अपने आचार्यों से प्रेम करनी चाहिए। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पर जैसे बताए जा रहे हैं भक्तों का विशेष विशेष स्थान के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बता रहे कृष्ण माधुर्य रहे एक अद्भुत स्वभाव। कृष्ण के जो माधुर्यता की एक ऐसा अद्भुत स्वभाव है, क्या है, अपन आस्वादित कृष्ण, एंड उस स्वभाव के आस्वादन करने हेतु स्वयं श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए थे केवल उस माधुर्य की रस की आस्वादन करने हेतु। क्योंकि भगवान कृष्ण को तब तक ये जो माधुर्य रस की आस्वादन या उसकी शक्ति या उसकी दिव्यता समझ नहीं आ पा रहा था जब तक वे चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए थे। प्रकट नहीं हुए थे तब तक उन्हें समझ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना ही पड़ा। एंड तब जाकर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा के भाव को स्वीकार करके जब उन्होंने श्री क्षेत्र धाम के अंतर्गत वो अपने अंत लीलाओं का आस्वादन किए थे, तब जाकर इस माधुर रस के आस्वादन कर सके थे। यहाँ पर श्री क्षेत्र, यहाँ पर श्री मतलब श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी, क्योंकि क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो माधुर रस की पूर्ण रूप से प्रकटीकरण ये श्री क्षेत्र धाम के अंतर्गत होता है, तभी भगवान कृष्ण भी वहाँ पर एक अद्भुत रूप को ग्रहण करते हैं जगन्नाथ जी का, जो कि महाभाव स्वरूप है। महाभाव स्वरूप है क्योंकि राधा के संग में जब भगवान कृष्ण इस माधुर रस की आस्वादन करते तभी इस प्रकार की ये जो महाभाव स्वरूप को भगवान कृष्ण स्वीकारते हैं। तो इस प्रकार से ये बात कहा जाता है।
इन ये जो माधुर्य रस है इसको मुख्य रस के रूप में जाना जाता है, मुख्य रस के रूप में जाना जाता है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हैं, बाकी पांच रसों में से मुख्य रस के रूप में ये माधुर्य रस को जाना जाता है। बिकॉज इस माधुर्य रस में जितना आनंद और आस्वादन भगवान कृष्ण को मिल पाता है बाकी अन्य रसों से उतना नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता है। इसलिए माधुर्य रस के आस्वादन पूर्णतया ये व्रज धाम के अंतर्गत ये भगवान कृष्ण को प्राप्त होता है। हालांकि माधुर शब्द का निर्वचन अंग्रेजी में तो हम स्वीटनेस करके कहते हैं, बट गौरवंश महाराज जी कहते हैं तो स्वीटनेस, तो महाराज जी कहते हैं इंग्लिश इज़ ए नेस्टी लैंग्वेज, उसके अंदर आप कोई भी इस प्रकार के शब्दों का पूर्ण विवरण तो आप दे ही नहीं पाएंगे, क्या शब्द प्रयोग करेंगे। तो इसलिए अक्सर रूपा जी भी स्वीटनेस करके उपयोग नहीं करेंगे, वो माधुर्य शब्द ही उपयोग करते हैं, बिकॉज वो कम्प्लीटली आप डिस्क्राइब कर नहीं सकते हो। एंड उसी प्रकार से जब रस शब्द के भी प्रयोग करते, रस का विवरण मेलोस करके उपयोग करते हैं, बट ये भी शब्द पूर्ण नहीं है। तो रस के अंतर्गत जो भावनाओं को जो जो बातें छुपा हुआ है उस शब्द के अंतर्गत उन्हें समझने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एनीवे तो ये माधुर्य रस की पूर्ण आस्वादन जो है ये व्रज क्षेत्र के अंतर्गत होता है। वैसा भगवान की जो क्षेत्रों के अंतर्गत जैव धर्म में वर्णन आता है कि ये चार धाम होता है, चार धाम होता है, चार धामों में ये माधुर रस के आस्वादन धीमे धीमे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सर्वोत्कृष्ट रूप से माधुर रस के आस्वादन व्रज क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। वैसा तो ये भी वर्णन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर करते हैं कि वैसे ये माधुर्य रस ये दो रूपों में प्रकट होता है, ये माधुर्य भाव ये दो रूपों में प्रकट होता है। एक तो माधुर्य ही है एंड दूसरा औदार्य कहा जाता है, एक तो माधुर्य एंड दूसरा औदार्य। एंड ये माधुर्य की भावना जब पूर्णतम स्तर को प्राप्त कर लेती है तेन कृष्ण के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। जब अवधार की भावना छा जाता है देन फिर चेतन महाप्रभु के रूप में हमें प्रकाशित होते हैं। तो दोनों ही ये माधुर्य रस का ही विभिन्न भावनाएं हैं, अवधार भी और माधुर्य भी। इसलिए वहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि जो गोलोक वृंदावन में मतलब जो व्रज क्षेत्र में वहाँ पर दो विभाग होता है, एक तो कृष्ण पीठ एंड दूसरा गौर पीठ होता है। दो विभाग होते हैं, कृष्ण पीठ में भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंगिक पार्षदों के सहित वहाँ पर लीलाएं संपन्न करते हैं और गौर पीठ में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंगिक पार्षदों के सहित वहाँ पर अपने लीलाएं संपन्न करते हैं। एंड यहाँ पर बताया जाता है कि जब कोई माधुर्य भाव में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, अपना साधक अवस्था में अपना साधना के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है माधुर्य भाव में, देन वे इस गोलोक वृंदावन की इस क्षेत्र को प्राप्त करते हैं जिन्हें जिसे कृष्ण पीठ कहा जाता है, उस स्थान को प्राप्त करते हैं। एंड कोई कोई ऐसा होते हैं जो कि चेतन महाप्रभु से अत्यंत आसक्त होने के कारण वो चेतन महाप्रभु की उपासना करते हैं। जब चेतन महाप्रभु की उपासना करते हैं देन वे इस औदार्य भाव से आप्लावित होने के कारण वे इस गौर पीठ को प्राप्त करते हैं।
एंड कोई कोई ऐसे होते हैं जो कि अपना साधक अवस्था में दोनों को ही उपासना करते हैं, महाप्रभु का और कृष्ण का। फिर दोनों को उपासना करेंगे फिर क्या होगा? फिर दोनों को उपासना करने पे देन व्यक्ति वो जीव दोनों ही धामों को प्राप्त करते हैं एक ही समय पर। गौरपीठ में भी उनको स्थान प्राप्त होता है एंड फिर कृष्ण पीठ में भी स्थान प्राप्त होता है एक ही समय पर। दो रूपों में दोनों लीलाओं में भाग लेने की सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की वर्णन भक्तिविनोद ठाकुर करते हैं। तो ये किसी एक विशेष व्यक्तित्व के प्रति जो अपने आकर्षण कृष्ण हो चेतन महाप्रभु हो के प्रति आकर्षण, ये स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भाव उनकी स्वभाव के अनुसार उनके आकर्षण होता है। वैसे तो कृष्ण और चेतन महाप्रभु के सीधा उनके प्रति आकर्षण नहीं होगा बल्कि उनके पार्षदों के प्रति आसक्त होता है व्यक्ति। इसलिए जब हम रागानुग भक्ति के बारे में बात करते हैं, जब रागानुग भक्ति के अंतर्गत रागात्मिक भक्तों की अनुगमन करने वाला है रागानुग भक्त, रागात्मिक भक्तों का अनुगमन करने वाला है रागानुग भक्ति कहा जाता है, यह रागानुग भक्त कहा जाता है। और उस अनुगमन करते हुए की जाने वाली भक्ति को रागानुग भक्ति कहा जाता है, इसको रागमार कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। हालांकि कहा तो जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार के भक्ति देने आए थे, जैसे अनार्पित राम चिरात करुण या बाती न कलो समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल स्वभक्तिम श्रिया, स्वभक्तिम अपनी ही भक्ति जो कि उन्नत उज्ज्वल रस है जिसे माधुर्य रस कहा जाता है। एंड इस प्रकार के रस को आज तक किसी ने दिया नहीं। इसी के विषय में वर्णन करते हुए मद्रीला के अंतर्गत एक तात्पर्य में श्रील कृपा जी बात कहते हैं, आज तक किसी आचार्य ने भी इस प्रकार की माधुर्य रस को प्रदान नहीं किए थे। बाकी जितने भी आचार्य भी रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए बता रहे थे कि वल्लभ आचार्य उन्होंने वात्सल्य रस को ही प्रस्तुत किया, एंड उसी प्रकार से रामानुजाचार्य की श्री सांप्रदाय के अंतर्गत भी वहाँ पर भी ज़्यादा साख्य रस के विषय में चर्चा होगी, साख्य रस के विषय में चर्चा होगी, वो भी विश्रम्भ साख्य के विषय में चर्चा होगी, बस वहाँ तक ही सीमित है। बट केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ही, ये केवल गौड़ी वैष्णव सांप्रदाय ही एक ऐसा सांप्रदाय है जिसके अंतर्गत माधुर रस की बातें की जाती है एंड माधुर रस की प्रस्तुतिकरण इस सांप्रदाय के अंतर्गत होता है, अगर वहाँ पर वर्णन है। हालांकि बात ये भी तो है कि उसके बाद जो निम्बार्क आचार्य आए हैं, तो निम्बार्क सांप्रदाय से, जैसा हर सांप्रदाय से चेतन महाप्रभु ने दो दो अंगों को स्वीकार किया है, उसी प्रकार से निम्बार्क सांप्रदाय से गोपी भाव को और राधारण की श्रेष्ठ स्थान को, इन दोनों को स्वीकार किए थे। बट फिर भी यहाँ पर ये श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं श्री चेतन महाप्रभु ने ही इसके परिचय कराए थे करके। एंड अच्छा, उसके पहले रागानुभक्ति के विषय कह रहे थे। तो ये रागानुभक्ति के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा रागात्मक भक्त मतलब रागात्मक भक्तों की श्रेणी के अंतर्गत केवल भगवान की नित्य पार्षद आते हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि, ये सभी सखागण इत्यादि, ये सभी रागात्मक भक्तों की श्रेणी में आते हैं जो कि भगवान के नित्य पार्षद है। नित्य पार्षद का मतलब यह है कि उनका स्थान कभी भी च्युत नहीं होता है, मतलब वो अपने स्थान से कभी नीचे गिरते नहीं हैं। हालांकि वे केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता प्रदान करने हेतु वो भगवान कृष्ण के सहित स्वपार्षद स्वीय धाम, अपने पार्षदों के साथ जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तब इस प्रकार के नित्य पार्षद भी भगवान के साथ में इस प्रकार से प्रकट होकर लीलाओं में भाग लेते हैं।
बट इस प्रकार से भाग लेने मात्र से ये नहीं सोचना कि वे हमारी ही तरह वो भी भौतिक सृष्टि के अंतर्गत उनको भी आना पड़ा, नहीं, वो अपनी इच्छा से जिस प्रकार से भगवान संभवामी आत्ममाया अपनी माया के साथ अपनी शक्ति के साथ अपनी इच्छा से आते हैं, उसी प्रकार से ये सभी पार्षद भी भगवान की कहने के अनुसार वे भी आते हैं। तो जब इस प्रकार के रागात्मक भक्तों के सबसे पहला आकर्षण रागात्मक भक्ति के अंतर्गत पहला आकर्षण जो है इन्हीं भक्तों के प्रति होता है। कोई नंद महाराज से आ सकते हैं, कोई यशोदमय से आ सकते हैं, कोई राधा रानी से, कोई ललिता विशाखा, इस प्रकार से उनकी भावनाएं जिस व्यक्ति से जुड़ता है उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है। जिस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है ऑटोमेटिकली उनके अंदर ऐसा एक जिज्ञासा प्राप्त होता है उस व्यक्ति के विषय में ज़्यादा ज़्यादा जानने के लिए। देन फिर वो व्यक्ति, इसलिए रागानुभक्ति के अंतर्गत व्यक्ति स्पॉन्टेनियसली वो जिस नित्य पार्षद के प्रति, रागात्मक भक्त के प्रति आकर्षित है उस व्यक्ति के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने जाता है। आज के समय पे तो कई लोग इसको एक साधन की तरह लेते हैं, बट ये साधन नहीं, ये तो स्वाभाविक हो जाता है कि कई बार लोग वृंदावन के अंदर कई बार लोग इस प्रकार से इसको प्रैक्टिस करने को प्रयास करते हैं। गुरु बता देते हैं शिष्य को कि तुम ये मंदिर हो, तुम ये हो करके, देन फिर वो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है कि उसके विषय में ज़्यादा जानने के लिए, सुनने के लिए। बट इस प्रकार से करने से आर्टिफिशियली इसे डेवलप नहीं किया जाता है, ये ऑटोमेटिक रिविलेशन है। जैसा जब आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, ये आत्म साक्षात्कार विभिन्न स्तरों में होता है। जब आत्म साक्षात्कार की जो पहला स्तर है, व्यक्ति इस बात को समझता है, ये सत्वगुण के अंदर संभव है कि व्यक्ति मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा करके पहले समझता है, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा करके पहले समझेगा। फिर उसके बाद उसी आत्म साक्षात्कार में जो व्यक्ति प्रगति करता है, देन फिर इस निष्कर्ष पे आता है कि यस, मैं आत्मा तो हूँ बट मैं भगवान श्री कृष्ण की अंश हूँ और कृष्ण के सेवक हूँ, इसलिए मेरा स्वरूप क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। एंड इस स्वरूप में स्थित होकर जब भगवान कृष्ण की सेवा बिल्कुल एक लगन आसक्ति के साथ प्रेम के साथ जब करते जाता है तब जाकर उनको अपने जो भगवान श्री कृष्ण के संग में, यस दासत्व तो है बट किस प्रकार के दासत्व करना वो चाहेगा। बिकॉज सारे रसों में एक कॉमन चीज़ क्या है, ये दास। इसलिए सभी को जब दीक्षा के समय जब नाम दिया जाता है, हालांकि नाम तो अलग अलग है, एक टाइटल कॉमन है, दास और दासी, ये कॉमन है, ये सभी को कॉमन है। बिकॉज ये दासत्व की भावना सारे ही रसों में कॉमन है, चाहे साक्य रस हो, चाहे वात्सल रस, चाहे माधुर्य हो, चाहे दास रस हो, कोई भी रस में कॉमन है। केवल इस दास रस के अभाव जो है वो शांत रस में पाया जाता है। शांत रस में केवल फीलिंग्स है, वहाँ पर दासत्व नहीं होता, सेवा नहीं होता है, वहाँ पर केवल फीलिंग्स मतलब एक भावना है भगवान के प्रति, भगवान महान है करके भगवान के प्रति एक आकर्षण, एक भावना है भगवान के प्रति, वहाँ पर उस प्रकार के एक्सचेंजेस नहीं है दासत्व के स्तर पे। जब शांत रस से जब ऊपर जाता है व्यक्ति दासत्व की ओर, फिर वहाँ से ये दासत्व या भगवान की सेवा करने की भावना जो है शुरू होता है, एंड फिर ये माधुर रस तक भी हमेशा रहता है। जब इस प्रकार से जब व्यक्ति आकर्षित होता है उनकी सेवा की, उनकी भावना स्वभाव के अनुसार, देन फिर उस व्यक्ति के विषय में स्वाभाविक रूप से उनके विषय में और जानने की इच्छा होती है, उनके विषय में और सुनेगा, उनकी लीलाएं और श्रवण करेगा। देन फिर वो व्यक्ति जो है उनके प्रति इतना आकर्षित होता है, बट जब इस प्रकार के आकर्षण विकसित होता है, देन कभी भी उनके अंदर वो व्यक्ति बनने की अभिलाषा नहीं आता है। जैसे अगर किसी का मन में, हृदय में आसक्ति है, मान लो यशोदा मैया के प्रति आसक्ति है, कभी भी यशोदा बनने की प्रयास नहीं होता है, या उस प्रकार की आकांक्षा, अपेक्षा या लक्ष्य कभी नहीं होता। अगर इस प्रकार की आकांक्षा अगर किसी व्यक्ति के मन में आ रहे हैं, तो बेचारे वो अभी भी वो मायावाद में ही है।
अभी भी मायावाद में ही है, क्योंकि मायावाद में ही व्यक्ति सामने वाले को रिप्लेस करना चाहेगा, सामने वाले को रिप्लेस करना चाहेगा। हमेशा भावना वैष्णव समाज के अंतर्गत हमेशा भावना ये रहता है कि सेवक बनने का, जो भी है उनका ही सेवक बनने का। अगर किसी से वो इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है किसी से, वो कभी भी उनकी पोजीशन को छीनने का प्रयास नहीं करता है। अगर इस प्रकार की छीनने का प्रयास अगर कोई करता है या उनकी भावना इस प्रकार से बनी है हमारे स्तर पे भी, इसका मतलब हम अभी भी उसी मायावाद में फंसे हुए हैं, मायावाद में फंसे। बिकॉज किसी का पोजीशन छीनने के बाद यह है कि देन फिर वहाँ जाने के बाद आपको दूसरा कोई और पोजीशन दिखाई देगा, फिर लगेगा वो बन जाओ, देन वो मिलने पे देन फिर आपको दूसरा कोई और पोजीशन मिलेगा, देन फिर फाइनली भगवान का ही पोजीशन दिखाई देगा, फिर लगता है कि अरे ये सारे पर्याप्त नहीं, भगवान ही बन जाते हैं, देन खेल खत्म हो जाएगी। बट तो ये सारा इसी को मायावाद कहते हैं, भगवान बनने की जो अभिलाषा है। बट बात है कि जैसे श्लोक में बताए जा रहे हैं, भगवान बनने में जितना आनंद है उससे ज़्यादा आनंद भक्तों को मिलता है। भगवान को जितना आनंद मिलता है उससे ज़्यादा आनंद भक्तों को मिलता है, तभी यहाँ पर भगवान अपने स्तर छोड़कर भक्त बनना चाह रहे हैं। अपने स्तर छोड़ के भक्त बनना क्यों चाह रहे हैं? बिकॉज सिंपली टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन दैट ए डिवोटी एक्सपीरियंसेस बाय सर्विंग द लॉर्ड। भगवान की सेवा करने के दौरान जिस प्रकार के आनंद और संतुष्टि की अनुभूति एक भक्त करता है, उस आस्वादन को महसूस करने के लिए भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में और अपना भक्ति कर रहे हैं। हम क्यों भगवान बनने में लगे हैं? वाई पीपल फूलिशली एस्पेक्ट बिकम गॉड? भगवान बनने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, उल्टा बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान बनना मतलब खड़े होकर बांसुरी बजाओ और हंसते रहो जो भी आएंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति तो भगवान बनना चाह रहे थे, तो भगवान के सामने आकर प्रार्थना ही कर रहा था, तो फिर भगवान ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, ठीक है अगर तुम्हें भगवान बनना है तो एक दिन के लिए भगवान बन जाओ, मैं हट जाता हूँ, तुम खड़े हो जाओ, मैं जाता हूँ। देन फिर वो व्यक्ति खड़ा हो गया, फिर भगवान हट गए थे, एक दिन के लिए वो भगवान बन गए। देन फिर क्या हुआ कि एक दर्शनार्थियों में एक व्यक्ति आया था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना किया कि मैं एग्जैक्टली भूल गया, वो स्टोरी था, किसी की याद है?
शायद सब लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर बात यह है कि भगवान के स्तर पर रह के दो लोग अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करेंगे, फिर क्या प्रार्थना, क्योंकि चोर आकर फिर यही प्रार्थना करेगा भगवान आज कोई ना कोई घर मिल जाए, एंड जो घर वाला प्रार्थना करेगा कि भगवान कोई चोर आने से बचाओ, फिर किन की प्रार्थना पूरा करे, फिर क्या करे। तो फिर भगवान वो भी इजी पोजीशन नहीं है, बेस्ट सेफेस्ट इजीएस्ट कंफर्टेबल स्वीट पोजीशन यही है सेवक रहना। एवरी टाइम वन ट्राइज टू बॉस ओवर, जब भी व्यक्ति स्वामी या मालिक बनने का प्रयास करता है खूब मार खाता है। इसलिए भगवान खुद भी ये सेवक बनने की जो रस है इसके आस्वादन करने भगवान खुद भी आना चाह रहे थे, खुद भी आना चाह रहे, इसलिए सेवक बनने में आनंद है, बल्कि भगवान या स्वामी बनने में इतना आनंद नहीं है, इतना आनंद नहीं है, बल्कि आप जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे मेटीरियली पोजीशन में उतना समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उतना टेंशन बढ़ता जाएगी। कई बार नीचे से लोगों को जब देखते ऊपर फिर उनको लगता है कि ये कोई समस्या नहीं है, बहुत आराम है इसमें। जैसे हम लोग जब कोई जीबीसी को देखते हैं, गुरुजनों को देखते हैं, फिर लगता है कि क्या करना है, हमने तो प्रवचन ही तो देना है, गांड में जाना है और प्रवचन देना है, सारा खान पान की सारी व्यवस्था हो गया, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बट जब नज़दीक से जाकर देखेंगे तब पता चले कितना टेंशन है, दिन तब लगेगा प्रभु जी वो पहला वाला पोजीशन मिल जाएगी क्या, सेवक वाला, क्योंकि उसमें बहुत समस्या है। बिकॉज विथ पोजिशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजिशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ बनता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ए, अगर अगर ये नहीं है तो एक कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर को सीईओ को 3-4 लाख रुपए की सैलरी क्यों दिया जाए, नौकर ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, जो बेचारे पोछा वोछा लगा रहे हैं उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं और सीईओ को 4 लाख दे रहे हैं, मेहनत तो नीचे वाला कर रहे हैं ना, नीचे वाला तो केवल शारीरिक मेहनत करेगा, ऊपर वाला तो जो 4 लाख जो दिया जा रहे उनको बेचारे नींद नहीं आता है, तो उतना टेंशन होता है। सो दैट्स अ रीजन ही इज बीइंग ऑफर्ड सच हाई पे हाई सैलरी, क्योंकि उतना काम है उसमें, उतना टेंशन है। इसलिए वो टेंशनबाजी से बचने के लिए कभी कभी भगवान भी चाहेंगे कि बेहतर एक बार वक्त बन जाए, तो चेतन महाप्रभु के रूप में आकर खूब एंजॉय करके फिर वापस चले जाते हैं। तो उस प्रकार से इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा अपन आस्वादित कृष्ण करे भक्त, तो उस प्रकार का आस्वादन करने के लिए ही भगवान भी अपने भक्त के रूप में अवतार लेकर इस प्रकार के आस्वादन करते हैं। यही बात है, वैसा कई और बातें माधुर रस के विषय में चर्चा बाद में करेंगे। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है कुछ पूछना चाहेंगे? कोई बोली जिनकी आवाज ज्यादा बोली। ठीक है, वो पूछ रहा है। रूप गोस्वामी का गोलोक मतलब कृष्ण लीला में भी उनका भाग है और चेतन लीला में भी है, तो हम उनसे आसक्त होंगे तो हमारा क्या होगा। आप रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में आप आसक्त हो रहे या रूप गोस्वामी के रूप में आप आसक्त हो रहे, उसके ऊपर निर्भर है।
बट ये तो बहुत समय की बात है, अभी हमारा माला ही नहीं हो रहा सही से। पहले ABCD ठीक नहीं चल पा रहे, पहले वो ठीक कर दे, देन फिर उसके बाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बारे में बात करें। ठीक है, क्या करें। गुरु दो प्रकार के कृपा करते हैं। एक प्रकार की कृपा को कहा जाता है कपट कृपा, कपट कृपा कहा जाता है। ये कपट कृपा के अंतर्गत जब शिष्य गुरु के पास जाता है देन गुरु उनको उनकी प्रशंसा करते हैं, खूब अच्छा कर रहे हो, जबरदस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा हुई आपको, हरी 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी हरी। उस समय प्रशंसा करते हैं, आपने खूब अच्छा सेवा किया है और अब बहुत अच्छे हो, वैसा हो ऐसा हो करके कहते हैं, क्योंकि इसको कपट कृपा कहा जाता है। बेचारे वो यही सुनना चाहते हैं, वो यही सुनना चाहते हैं, इसलिए गुरु भी यही कहते हैं बहुत अच्छे हो, बिल्कुल बस आप एक दो कदम आगे बढ़ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से बस उनको एंकरेज करने के लिए, बिकॉज बेचारे उस व्यक्ति को उस समय ना अगर उनको कह दिया जाए या बेकार सेवा है तुम्हारी और या उनको डांटा जाए, वो व्यक्ति निराश हो जाता है, या उस डांट को एब्जॉर्ब करके उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड करने की सामर्थ्य उनकी अभी बुद्धि में भावनाओं में नहीं आई है, इसलिए उस समय उनके ऊपर एक कपट रूप से ही गुरु को कृपा करना पड़ता है। इसलिए उस समय गुरु भी वही लिपाबोधी करते हैं, ठीक है आप अच्छा करते हो, एंकरेज करते हो उस प्रकार से कहकर। असलियत में कृपा गुरु कब से करते हैं, जिस दिन आपको डांटने लगेंगे, डांटने लगेंगे व्हेन ही स्टार्ट्स, जब आपके गुरु के साथ संबंध एक ऐसा अद्भुत संबंध हो गया, ऐसा क्लोजनेस इंटीमेसी बढ़ गया कि गुरु इज फीलिंग दैट, मतलब वो फ्रीनेस फील कर रहे हैं आपको डांटने का, वो फ्रीनेस फील कर रहे हैं आपको डांटने का, देन ही विल स्टार्ट स्कोल्डिंग यू एंड शो यू एंड विल स्टार्ट बिगिन टू शो यू आप कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर रहे हो, तब बताएंगे, देन फिर असलियत में कृपा होगी एंड प्रगति करोगे। तब तक वही है कि चल रहे हैं, ठीक है अच्छा कर रहे हो, तो शुरुआत में ऐसे ही होता है। इसलिए गुरु के साथ गुरु के संबंध के विषय में तीसरा स्कंद भागवत में कपिल भगवान और देवहूति देव कपिल भगवान जो देवहूति की शिक्षा देते हैं उसके अंतर्गत बताते हैं कि विश्रम्भेना, विश्रम्भेना मतलब इंटीमेसी होनी चाहिए गुरु और शिष्य के संबंध में। जब तक ये इंटीमेसी नहीं आएगी असलियत में गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, इंटीमेसी होना होगा। इंटीमेसी होने पे देन बहुत फ्रैंक बातें होगी, बहुत क्लियरली फ्रैंकली बातें होंगी बीच में। जब इस प्रकार के स्तर पे जब संबंध आता है देन फिर जब बातें बहुत फ्रैंकली होने लगी है देन फिर गुरु जो गोपनीय बातों को रिवील करेंगे,
गोपनीय बातों को तब गुरु रिवील करेंगे। तो इसलिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण, ये गुरु के साथ जो संबंध है, ये संबंध को जब प्रगाढ़ करने लगे देन फिर ये होने वाली है। तब तक ऊपरी ऊपरी स्तर पे चीज़ें चलेंगी। इसलिए दिस इज ऑल बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। तो इस प्रकार से तब होगा। एंड जब गुरु फ्रैंकली बताने लगेंगे देन फिर गुरु विल लेट यू नो व्हाट योर शॉर्ट, जहाँ कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हैं, क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, तीन सारे बातें रिवील करने लगेंगे। बट तब तक हमें अपने संबंध को विकसित करना होगा अपने सेवा के माध्यम से। एंड बीच बीच में जब हम मिलते भी हैं तो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी सेवा में क्या कमी है, वैसे पूछ सकते हो। दिन समय समय पर जब आप खुद पूछेंगे बारंबार, देन फिर गुरु जब कृपा करेंगे देन फिर वो बताएंगे आपकी सेवा में क्या कमी है, तो बताएंगे। तो वो फ्रीनेस वाला एटमॉस्फेयर हमें अपना संबंध के अंतर्गत लाना होगा। अभी वो फ्रीनेस नहीं है, इसलिए वो फ्रैंकली बातें नहीं आएगी। समझ आया ना? ठीक है। हाँ, ये मुझे दे दीजिए, ये उनको ले जाइए। औदार्य मतलब, औदार्य के मतलब ये बताते हैं कि मैग्नानिमिटी, जिस प्रकार की औदार्य था इस चेतन महाप्रभु की जो नवद्वीप धाम को भी औदार्य। हरी हरी हरे कृष्ण हरी। चेतन महाप्रभु की जो धाम है उसको भी औदार्य धाम कहा जाए। औदार्य शब्द का ही मतलब है मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमस मतलब, मैग्नानिमस मतलब ओवरली कंपैशनेट, ओवरली कंपैशनेट है। जब इस प्रकार की ओवरली कंपैशनेट नेचर जिसके अंतर्गत होता है देन फिर उनकी आसक्ति महाप्रभु के प्रति महाप्रभु की भावनाओं से मिलता है, महाप्रभु भावनाओं से मिलता है। एंड जिस प्रकार के संबंध श्रीमती राधा रानी का और अन्य गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के साथ जो रहा है वो माधुरी संबंध है, माधुरी संबंध है। और उस प्रकार की संबंध के प्रति हमारी आकर्षण हो रही है देन फिर वो उसको माधुर्यता कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है, कंपैशनेट नेचर एंड माधुर्यता। कौन आते हैं शांत रस में? जैसा चतुर कुमार शांत रस में आते हैं, शांत रस में आते हैं, जैसा पेड़ पौधे इत्यादि जो व्रज धाम के अंतर्गत जो पेड़ पौधे हैं वो सभी का भावना है भगवान कृष्ण के प्रति, अपने भावनाएं होती है। बट सेवा उस प्रकार से नहीं कर पाती, केवल जब भगवान कृष्ण उनके पास में जब आते हैं तभी थोड़ा सा झुककर अपने फल फूल दे पाते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो ये शांत रस की भावना है उनकी। प्रहलाद महाराज के विषय में वैसा हमने वैसा क्लियरली पढ़ा नहीं इसके विषय में, प्रहलाद महाराज कौन सा रस में, हमें भी जस्ट गैस ही कर सकते हैं, शांत रस के गैस ही कर सकते, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते प्रहलाद महाराज की।
बिकॉज उनकी जो भगवान के साथ जो आदान प्रदान उस प्रकार के नहीं थे। इस क्वेश्चन के बाद ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपको पीएचडी भी करना है एबीसीडी से ही शुरू करना होता है तो जस्ट बिकॉज एबीसीडी सिखाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में आगे जाकर पीएचडी नहीं सिखाई जी करके नहीं है ना। आगे जाकर पीएचडी आएगा बट पहले एबीसीडी तो सीखे, बिकॉज कोई ए बी सी डी सही से नहीं आता है तो प्रोपा जी यही ए बी सी डी सिखाने में लगे थे, इसलिए बार बार कहते ए बी सी डी सीखो 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 करके। बट समस्या है कि हम इतने बार टोकने के बाद भी हमारी आसक्ति टूट नहीं रहा है बौद्ध दुनिया के प्रति, इसलिए प्रोपा जी मुख्य रूप से हम शरण्य महात्मा इसके बारे में बताते हैं, ये भौतिक सृष्टि कितना दुखदायक है वो बताते हैं, और बस यही दो बातों में मेनली एम्फसिस करते हैं अपने लेक्चर्स में। इतना कुछ पिटाई होने के बाद भी हम छोड़ते नहीं उसे, तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इसी बात पे ही कहना पड़ रहे हैं, बिकॉज जब तक आत्म साक्षात्कार की स्थिति पे व्यक्ति नहीं पहुंचता है तब तक ये बातें कभी समझ नहीं आता, कभी समझ नहीं पाएंगे व्यक्ति। आत्म साक्षात्कार स्थिति पे पहुंचने के बाद ही उनकी असलियत में भक्ति शुरू होगा। कहते हैं ना ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मन सोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परां। जो परा भक्ति कब मिलेगा, ब्रह्म भूत के स्तर को प्राप्त करने के बाद। जब तक व्यक्ति इसी भौतिक आसक्तियों में लगे हुए हैं तब तक उनको ये बातें कहने के बाद भी समझ नहीं आएगी। इसलिए प्रोपा जी कहे महाप्रभु भी कहाँ चर्चा किए थे, महाप्रभु भी किसी से भी चर्चा नहीं किए थे, केवल और केवल बहुत ही निजी पार्षदों के साथ ही, वो भी पर्सनल कन्वर्सेशंस में, जैसे रूम कन्वर्सेशन होता है उस पर्सनल कन्वर्सेशन के अंतर्गत चर्चा किए थे, जैसे रामानंद राय के साथ हो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उन लोगों के साथ। कभी पब्लिक लेक्चर्स में कभी इन सारे बातों के विषय में चर्चा नहीं किए थे ओपनली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मेरा प्रश्न ये है कि जो और तीन गरीब परंपराएं जो रूपानों के हैं ज़्यादातर लोग फिर उसको भी मानते हैं, पर तीनों परंपरा जो है वो लोग क्या माध्यम प्रश्न को चेतन महाप्रभु को क्या स्वीकार करते हैं। जैसा निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत तो स्वीकारते ही है, निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत स्वीकारते ही है, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय से ही तो हम जो राधा की सर्वोत्कृष्ट स्थिति और गोपी की भावना, तो ये दोनों बातें हम वहीं से ही चैत्र महाप्रभु ने स्वीकारा है, तो इसको मतलब निम्बार्क संप्रदाय में भी ये है। तभी निम्बार्क संप्रदाय में भी वे लोग मंदिर बनाने की जगह पर वे कुंज बनाते हैं ना, कुंज बनाते हैं, फिर उनकी यही विश्वास है राधा कृष्ण उस कुंज में आकर फिर अपना लीलाएं संपन्न करेंगे, तो वहाँ पर भी ये माधुर रस को स्वीकार किया ही जा रहे हैं, स्वीकार किया जा रहे हैं, तो इस प्रकार से है। और लोग तो शायद नहीं मानते, अगर वो लोग ज़्यादा मानते होते तो जो जयपुर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी राजा मानसिक तो वो होता ही नहीं, वो लोग स्वीकार नहीं करते थे। हाँ यस डेफिनेटली, उसके पहले राधा रानी के विषय में और गोपियों के विषय में तो ये सारा रस इत्यादि था ही, बट उन चीज़ों को सपोर्ट करते हुए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, कोई पुस्तकें नहीं थी, वो पुस्तकें नहीं होने के कारण फिर वहाँ पर राधा कृष्ण की आराधना को
वो लोग खंडित किए थे, खंडन किए थे, एंड तभी उस उन बट राधा कृष्ण की पूजा पहले था तभी तो वो कर रहे थे, बट उसको सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए फिर वो कुछ कह नहीं पाए। फिर उसके बाद बलदेव विद्याभूषण ने लिखाई है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारा लिखे हैं वेदांत सूत्र की ऊपर भाष्य इत्यादि, तो उस प्रकार से हमें सपोर्ट भी मिल गया। अभी पहले केवल वो विधि था, सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट भी आ गया, तो उस प्रकार से ठीक। धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री गोपाल की, गौर प्रेमानंद की।